पला जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला निदान अटल सुल्तान की जंत सब जाचे नानक हम है हवाला राख संतन कै पाछ हमें से तू ऐसा माधो तू ऐसा हमें से तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे परम सत्कारयोग सतगुरों की साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साह संगत जी दूरों नेड़ियों चल के महापुरशां दे पवित्र स्थान ते पहुँच के धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर के काफ़ी समय तो गुरबाणी का हरी जस कीर्तन सरवण करके अपने समय नू अते स्वासां नू सफले बना रहे हो। बाकी जो समा रहिंदा है उन्हों आपां सारी संगत ने रल मिल के अकाल पुरख परमेश्वर दी सिफत सलाह करके अते सुन के अपने समय नूं अते स्वासां नूं सफलियां करना है। जितनी संगत गुरु चरणा विच सभाए मान है जां सच्चे पातशाह नूं नतमस्तक होण वास्ते आ रही है सारे ही अपनी रसना पवित्र करो गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साह संग जी सत पुरशां ने समय नूं चार हिस्सों विच वंडिया है जिन्हों चार युग आख्या है सत युग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतयुग दे विच
लोगों का सुभा सी जेड़ा वो सत्यावादी सी भावें पाप लोग सतयुग विच भी करते रहे ने। एक आम कथा प्रचलित है बाणी विच बहुत थावां ते जिक्र आया उहदा, जिवें आपां रोज़ आसा जी दी वार दा 24वां शंत सुणदे आं, हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। ये सतयुग की कथा है। आपां कहिंदे हुण कलयुग का समय पाप बड़े हो रहे ने, पाप तो सारे युगों विच ही हुंदे रहे ने। हरनाकश अपने एक पुत्तर नूं सक्के पुत्तर नूं तसीहे दे रहा है कि तू रब का नाम नहीं जपना है, तू राम कहन की छोड़ बाण तुझ तुरत छडाऊं मेरे कहो मान। नाम जपना छड़ दे। बड़े संत भगत पहला मौत की घाट उतारे ते प्रहलाद कहंदा नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरे और पढ़न सो नहीं काम। ये बाणी च सवाल जवाब। कदे उन्हूं अग च बिठाउंदा है, कदे पानी च डोबदा, कदे पहाड़ तो सिड़दा है, कदे सप्पां वाले कोठे च बंद करदा है। ये सतयुग की कथा है कि एक पिता अपने पुत्र नूं तसीहे दे रहा है कि तू रब का नाम नहीं जपना है। फिर त्रेता जगी सतयुग दे विच उन्हां लोकां दा भला हुंदा सी जिहड़े सत धर्म ते चलदे सी, सत्यावादी सी जिहड़े लोक। फिर त्रेता युग आया, सतयुग दे विच प्राणी मात्र दी लख लख साल दी उम्र भी लिखी है, भावें सारयां दी नहीं पर बहुत सारयां दी उम्र हो जांदी सी इन्नी लम्मी उम्र। फिर त्रेता जगी 10,000 दी साल दी उम्र सी त्रेते विच, ते जग करके जीवां दा भला हुंदा सी। राजसी जग, तामसी जग, सातकी जग, असवमेध जग, गऊ मेध जग, गैंडा मेध जग, हाथी मेध जग, बड़े प्रकार दे जग हुंदे सी। उन्हां दी मर्यादा भी लैदा लैदा सी ते फल भी लैदा लैदा सी, पर कोई कोई जग सफला हुंदा सी। बहुते युग व्यर्थ इस करके चले जाते सी कि शुद्ध समग्री ते कर्मकांडी पंडित नहीं सी मिलते, जां फिर कराउण वाला ही पूरा नहीं सी हुंदा। जिवें सियाणे कहिंदे ने दो हत्थां नाल ताड़ी वजदी है, खंड पाठ कराउण वाला भी पूरा चाहीदा है ते करन वाला भी पूरा चाहीदा है, तां फिर कार्ज पूरा हुंदा है। इस करके त्रेते विच जग करन दी मर्यादा सी। ते रावण ने ऋषियां मुनियां ते भी टैक्स ला दिता सी। वैसे तो अजकल भी कह रहे हैं जिथे समाज की सेवा हो रही है, फ्री लंगर चल रहा है, कोई दिने आओ, कोई रात आओ, कोई सवेरे आओ, कोई दोपहर आओ, चार वारी आओ, तीन वारी आओ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾਨ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਪ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪੈ ਨਿਸਬਾ ਸਰੇਕ ਬਿਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਨਾਨ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਏ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦਾ ਜਾਗਦੀ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦਾ ਜਾਗਦੀ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪਿਓ ਖਾਲਸਾ
पूजा करके जीवन का उद्धार हुंदा रहे। हुण कलयुग चल रहा है, त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों दृढ़े प्राणी मात्र की उम्र 1000 साल की, प्राणी की उम्र 100 साल लिखी है। जे किसी की वध भी होई होनी है तो घट ज्यादा की होंगी है, इस करके मैक्सिमम 100 साल की उम्र बाणी के मुताबक लिखी है। दस बालतन 20 रवन 30 का सुंदर कहावे, 40 सिपुर होए 85 पग खिस्से 60 के बिढ़े पावे, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी मूल न जाने अप बल, ढोलम ढूंढम डिठ में नानक जग धुएं का धौल हर। 100 साल की उम्र लिखी है कलयुग, पर आचार ते विहार, खुराक शुद्ध होनी, ख्याल शुद्ध होने, शुद्ध होनी, इन्हां तिन्हां चीज़ां दा जीवन ते बड़ा गहरा प्रभाव पैंदा है। नहीं मैले हो चुके खुराक भी, अगे जे कोई मुजरा देखण जांदा सी, नाच देखण जांदा सी, कहिंदे सी इह दाना बंदा नहीं है, इह इज्जत वाला बंदा नहीं, मुजरे देखदा है जाके। प्रसाद सिंह जी मुजरे हो रहे ने, जदों रह रहा टाइम है उदों उत्थे बैठा नाच देख रहे, मुजरे हो रहे ने घर घर, नाच देखे जा रहे ने, अशांत ने, मन दुखी ने। जे कोई बाणी पढ़दा सिमरन करदा उहदा सवाल है, मन वास्ते तां अभ्यास दी लोड़ पैंदी है, खंडाउण वास्ते तां अभ्यास दी लोड़ ही नहीं पैंदी है। जिवें गलास टाइम लगता है, ठीकरियां हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने, जोड़द्या तो टाइम लगता है, गड़द्या 6 माह, तड़द्या 1 खिनो, 1 छिन च ही खिंड जाता सारा। करके अज घर घर च मुजरे डांस हो रहे ने, ते कित्थों होणगे शुद्ध ख्याल, खुराक शुद्ध नहीं है, ख्याल शुद्ध नहीं हन, अते किरत भी शुद्ध नहीं है। बहुता धन कमाउण वास्ते लोग पाप नूं तरजीह दिंदे आ, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने कमाया ही तां जा सकदा जे पाप करे, पापां बाझों होवै नाहीं, धर्म की किरत करके धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, निर्वाह तो हो सकता है, इकट्ठा करना है फिर तो किसी का गल वड्ढना ही पैना, बाझों होवै नाहीं, मोया साथ ना जाई, फिर अंत वेले नाल भी नहीं जानी, इत्थे पई रहनी है, ये भी ठीक है गल। इस करके जिहड़ा तुहानू को अमीर लग रहा ना, तो समझो पाप करके इकट्ठी कीती हुई है उहदी, ते पाप दी माया कदे उहनू सुख नहीं दे सकदी हुंदी, वह देखदी हुंदी जिवें कागज़ दी अग बलदी दिसदी है, पर वह रोटी नहीं पका सकदी हुंदी, रोटी तां लक्कड़ दी अग नाल ही पकदी है। पाप दी कमाई दिसदी बड़ी है, पर सुख नहीं हुंदा उहदे च कदे भी। इस करके ये तिन्ने मैले हो गए, ख
खुराक मैली हो गई, ख्याल मैले हो गए, किरत मैली हो चुकी है। तो उम्र जिहड़ियां बहुत घट गई, 35-40 साल तो बुढ़ापा आ जाता है, 60-70 ते समाप्ति हो जाती जान। फिर इन्ने कमज़ोर शरीर ने, दिल दिमाग इन्ने कमज़ोर ने कि बहुते कठिन साधन नहीं है कर सकते। अगे लोग धूणियाँ तापते सी जेठ हाड़ दे महीने च, आ हुण कत्ते चढ़न वाला है, अद्धा अस्सू दे नेड़े लग गया, तो आपां तां अजे भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, बैठे पखे चल रहे हैं, कि आपां धूणियाँ ताप लाँगे? छे धूणियाँ ला के विचाले बैठ जाना जेठ दे महीने च, भावें वह बरंग साधन सी, हूँ खुड नूं डंडे मारे तो सप्प थोड़ा मरदा हुंदा। एक तपस्या साधना है, पर महाराज कहिंदे वर्मी मारी साप ना मूआ, जोड़ना तो मन नूं है, शरीर नूं तंग करन दा की मतलब? पर है तो बड़ा औखा सी ना, कौन कर सकदा? फिर पैरां नूं संगल पा के पुठे लमकना, आ मैट भी विचे ने, जगह भी साफ सुथरी है, पर चौंकड़ा मार के बहना ही औखा, आपां लमक लांगे पुठे? आ किन्ना क चिर होया आपां नूं आया नूं, किसे नूं अद्धा घंटा, किसे नूं पौणा घंटा। तां इन्ने कमज़ोर ने शरीर, फिर भुखे प्यासे रहना, नगन फिरना जंगलां च, अवदासी। महापुरश बाबा जगदेव मुनि जी बालियां तो पहुँचे, बहुत विद्वान ने संस्कृत दे, विद्वता घटती जा रही है, कौन विद्या पढ़ता घाल ना घाल के? अजकल तो कंप्यूटर चक्की फिरते ने, अगे रख लेंदे ने, सुनाई जाते, वह तो जिहड़ा मर्जी सुना दे, कौन हुण याद करेगा संस्कृत, कौन सवैये याद करेगा, मेहनत कौन करेगा? कोई नहीं करता। कहण तो भाव शरीर कमज़ोर हो गए, थोड़ी जी साधना करो। जिहड़ा नितनेम भी करता है पंज बाणियां दा, वह भी कहिंदा जी मेरा सिर पीड़ करन लग जांदा। भावें व्यासी हैगे ने, अज भी 50-50 जपजी साहिब दे पाठ करन वाले माई भाई तुहाडे विच ही बैठे, 25 पाठ करन वाले तो बहुत माई भाई मिल जाणगे तुहानूं, जिन्हां नूं शौक है, जिन्हां नूं लगन है। मूल मंत्र दे व्यासी, गुरमंत्र दे बहुत ने अज भी, पर हुण घटदे जा रहे ने, साध सिंह थोड़े ने, क्योंकि जिहड़ी सत वस्तु है उन्हूं भुलिया होया है, ते जिहड़ी सत है उन्हूं जुड़िया होया, उहदे नाल जुड़िया होया। जिहड़ी गल याद करनी सी उह भुल गई, जिहड़ी भुलनी सी उह याद कर रहे। पर अज दिल दिमाग इन्ने कमज़ोर ने, बहुती साधना दी चाल नहीं चलदे। तो गुरु बाबा जी ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी हालात देखी, छोटियां उम्रां, कमज़ोर शरीर, दिल दिमाग निकदे, गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने फिर जीवां दे भले दा साधन परमात्मा दा नाम दस्या है बाणी दे विच। नानक नाम धार विच कल जुग दे, विच कल जुग दे, नानक नाम धार विच कल जुग दे, विच जुग दे, नानक नाम धार प्यारे, नानक
ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲ ਜੁਗਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲ ਜੁਗਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਜੁਗਦੇ ਸਤਿਯੁਗ ਸਾਤ੍ਰੇਤਾ ਜੰਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਤੀਨੋ ਯੁਗ ਤੀਨੋ ਦਲੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦੂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਨੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਭੂ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਗਿਣਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨੇ ਆ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਜਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਢੱਗੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਲੈ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਦੂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਪੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਲਵੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੈਂ
नाम बारे बेनती करनी आप जी नूं। कहिंदे भाई कोई कोई करदा नाम बारे, इहो वपार विरला वपार है। ये तो गल ही कोई विरला करदा नाम बाणी दी। हाँ दस की विचार करनी है। कहिंदा जी नाम किवें जपिया करिए, महापुरशां ने उन्हें बड़ा सौखा जिहा ढंग दस्या। की काम करदा भाई महाराज खेती, सब तो उत्तम कर्म खेती, मध्यम व्यापार नखिद चाकरी भीख नदार, सब तो उत्तम खेती। कोई चोरी नहीं, कोई ब्लैक नहीं, कोई ठगी नहीं है। दसा नवां दी किरत करदा है, कोई बीमारी लग गई तां वी रब दा शुक्र, बहुते हो गए तां वी, थोड़े हो गए फिर। सुते सिद्ध लंगर लग चल रहे है, सुते सिद्ध कीड़े खुड्डां च लई जा रहे ने, अपना जमा कर रहे ने। किदे लई जांदे ने, उह खेत च वी ले जा रहे ने कितों। भावें देश का जिड्डा मर्जी मंत्री है जिहड़ा रोटी खा रहा है, वह किसी जिमीदार के घरों आया हुआ अनाज है। जिड्डा मर्जी को वड्डा जज है, जिड्डा मर्जी को अफसर है, जिड्डा मर्जी को साइंसदान है, जदों अगे प्रशादा रखता तो समझो किसी जिमीदार का पसीना बहाया हुआ उन्हें तैयार किया हुआ। खुड्डां च कीड़े ले जा रहे ने, जानवर चौके आलने च जा वड़दे, कई सिट्टे वड के लै जांदे ने, घड़ी मुड़ी कित्थे चुकदे फिरन। जिन्हां दा कोई वाली वारस नहीं, आवारा पशु, वह भी ये खेत च भावें दिने नेरे सवेरे कदी ना कदी कृपा कर जांदे। वह भी चल के आया, ये दर ती आया, कोई मंदिर वाला आ गया, कोई गुरुद्वारे वाला आ गया, कोई लोड़वंद आ गया, खाली नहीं मोड़िया इन्हें। फिर पुश्त दर पुश्त किसी सेठ की दुकान एक छमाही बंद कर दिया। लकड़ दे पिछां तो लाके इक्को वादे पैन, थोड़े होन, बहुते होन, भरोसा रखदा चलो कोई नहीं देगा फिर परमात्मा। जिन्ना भी लैण देन हो रहा बाजारां च, कोई कपड़े आला है, कोई सौदे आला है, कोई सब दरमदार इहदे ते खड़ा है। सब्जियां इह पैदा करदा है, पशु इह पालदा है, पर सतसंग जी एक परमात्मा तो बिना इहदा भाईवाल भी कोई नहीं है। जिहदा किते ना जोर चढ़े, ये भोला भोला सीधा साधा इहदे ते। पर सतसंग जी जदों सच्ची किरत करन वाले, सच्ची कर्म करन वाले दा धर्म सच्चा हुंदा है, जद फिर इन्हां नाल को मत्था लाउंदा समझो फिर उहदा अंती है। ये किसी दा बुरा नहीं मंगदा है, दोने वट्टां च गर्मियां च फिर के नाज पुरख परमात्मा जी का रखवाला है, आड़ भी कोई की सकता है। सो सतसंग जी गुरु बाबा जी ने साडे भले वास्ते नाम नूं साधन बनाया जीव दे भले वास्ते। सो महापुरशां नूं पुछिया जी नाम किवें जपिए,
महापुरश कहिंदे की कम कर की करदा भाई, कहिंदा जी खेती करदा, जीरी वढ ली जी महाराज, कणक बीज ली, कुछ बीज ली, कुछ बीजन वाली है, छिट्टा करिया सी जां कीरा करिया सी महाराज, जिहड़ी मैरा धरती सी उत्थे केरा करता सी, जिहड़ी कोई डाकर जी सी उत्थे छिट्टा करता सी, दाने वो पुट्ठे सिट्टे सी जां सिद्धे महाराज, कई पुट्ठे भी डिग पे होणगे तो सारे उग गए, हाँ महाराज उग सारे गए, पुट्ठे भी उग गए सिद्धे भी उग गए, कहिंदे जी हाँ। महापुरश कहिंदे फिर नाम जिवें मर्जी जप लिया कर, बह के जप लिया कर, जे बह के थक जाए फिर तुर के जप लिया कर, जे तुर के भी थक जाए फिर पै के वैगुरू वैगुरू कर लग जा कर, सिमरन करी जाया कर, डॉक्टर दे बह के जिहड़े कहिंदे ने जिन्हां ने जपना उन्हां कोल तां सारे ही मर्जी जप सकदा, ये शौक वाले दी लगन वाले दी गुरु बाबा जी ने सानू उपदेश देण वास्ते जिथे साहिब गुरु बाबा जी दी कलयुग दे नाल गोष्ट विचार होई है, उदों भावें इत्थे जंगल बियाबान सी, बड़ा घना संघना जंगल, भाई बाला मरदाना महाराज दे नाल है, एकांत मरदाने नूं गुरु बाबा जी कहिंदे ने भाई मरदाना बाणी आई, भाई मरदाना रबाब वजाउंदा है, गरीब नवाज सच्चे पातशाह अपनी रसना तों अलाही बाणी दा शब्द इउं लापदे हन, तू ही मोहना, तू ही मोहना, तू ही मोहना, तू ही मोहना, दिखायो इते उते कट 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 तू ही मोहना, इते कट 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 तू ही कट
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਘਟ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਹੇ ਨਾ ਸੰਤਨ ਪਰਸਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖ ਸੋਏ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾਪਦੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨਾ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਕਹਾਇਓ ਉਤਾਪ ਹੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਦਿਸ਼ਟ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੇਰੀ ਵੱਡੇ ਪੜਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜੀ ਉਡਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਉਡਾਈ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟੂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਦਲਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੜੇ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਰ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਆਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆਕਾਰ ਲੀਕ ਕੱਢਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾਲ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਭਾਰ ਢਾ ਲਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੋਪ ਚਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚਾਟੀ ਉੱਬਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਆਪ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਲੇ
ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੀ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹੋਦਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ ਭੱਖ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਾਹੋਦਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੱਖ ਜਾਏਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਗੋਪਾਲ ਇਉਂ ਅੱਠੇ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ
गुरु बाबा दे चरणा च नमस्कारां करी जांदा है। बैठ गया, पुछदा भाई मरदाना कौन है तू? कहंदा मेरे तीन भरा राज कर गए ने सतयुग मैं सारे जीवां नूं पापां विच प्रवृत्त करके नरकां नूं लै के जाना है। अकाल पुरख परमात्मा ने गुरु जड़ जांदे मार्ग पाए, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु भागी आज मैं तुहाडे वास्ते वधिया वधिया रस्ते बना दिना। महाराज कहिंदे नहीं, रस्तियां दी लोड़, जे किते जाण दा रस्ता है तां तुर, जिथे करके भी महाराज गए ने। इतिहास गवाह है इस गल दा। महाराज कहिंदे सानू तेरे रस्तियां दी लोड़ नहीं है। महाराज तुहाडे रहण वास्ते मैं हीरे लाल जड़त सोने दे मकान बना दिना। ये कलयुग दी बेनती सुन के अपने मन नूं संबोधन करके सारे संसार नूं समझा रहे ने वी ए जीव इस तरह दी भी मकान बने होण। तू तो कहना मैं संख मरमर ला लिया, हुण किहड़ा शांति आ जाऊगी मन नूं? फिर महाराज कहिंदे जे तेरे मकान इहो जिहे बने होण, इट्टां दी थां ते मोतियां नाल मकान उसारे होण। मोतियां नाल, मोती तां मंदर उसर है, उहदी मोतियां नाल कीती। इन्नी महक आउंदी होवे उन्हां मकानां, महाराज कहिंदे मना देखी किते उन्हां दा नाम ना भुल जाईं। उन्ने दे मकान तेरे मन नूं शांत नहीं कर सकदे। जदों कोठे हुंदे सी, इक्को ही वड्डा सारा दलान जिहा हुंदा सी, कोई पक्खा ना कोई ए सी ना कोई कूलर, ते सारे सवेरे उठ के कहिंदे सी दिया नींद आई। कट्ठे पए सी ना कट्ठे नूं ते चंगी आ जांदी। इहने ए सी लगे हुए ने, सवेर नूं सिर बन्ने हुंदे, पर नींद ही नहीं आई सारी रात। मकान भी बड़े वधे बनाए, पत्थर भी लाए बड़े कीमती, शो पीस भी बड़े बनाए, पर उन्हां च चैन दी नींद ही नहीं आई है। उत्थे चैन किथे? मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। परमात्मा दे नाम नूं ना भुला दी, किते भुल ना जाई ओए मना नाम नूं। मोतियां दे मन देख के किते भुल ना जाई मना नाम नू। We'll be right back.
हर बिन जियो जल जाओ। बिना परमात्मा दे नाम मन इस तरह सड़दा जिवें भट्ठी विच दाणे पुजदे हुंदे, कदे मन नूं चैन नहीं आ सकदा। सब तो वड्डा दुख दुनिया विच मन दी शांति है। क्या रहा उसको मिलने से जिसको चैन मन का मिल गया। मन दी शांति, मन दा टिका, सुखां दा। 33 करोड़ देवता जिहड़े राजे इंद्र दे अधीन है, उहदे मन नूं शांत नहीं है। मातलोक ते आ गया, अगे 4 पुत्र ब्रह्मा दे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। ये चारां दा नाम बाणी च लिखिया होया है। ये चारे बैठे ने, 5-5 साल दी इन्हां दी उम्र है, इन्हां विच ताकत है, इन्नी कु उम्र रखदे आ। नेत्र बंद ने, समाध अवस्था विच बैठे ने। सुरग तो 4 फल लिआया इंद्र, 4 महात्मा दे अगे 1-1 रखता, बैठ गए। हुण जिहड़ा तू भुलिया, उहनूं कि पता कौन आया, कित्थों आया। इंद्र बैठा है, मन च सोचदा मैं सुरगा, इन्हां ने मैनूं बुलाया नहीं, को आओ करने ता जांदा, पर विस फिर भी घुली जांदा। आया तां है शांति वास्ते, पर अंदर अहंकार अजे भी चक्की फिरदा। अहंकार जा के इक महात्मा चक के पिपल दे बैठे साइंस हुण दसन लगी भी घंटे ऑक्सीजन छड्डदा है। महात्मा जिन्ने विद्वान कहिंदे भाई त्रिवेणी लवा दे, त्रिवेणी रब तैनूं सुख देगा। त्रिवेणी पिपल बरोटा ते निम, कई बोर्ड कहिंदे ने, कई बरोटा कहिंदे ने, इक्को ही है। किते उत्थे बाहर पुछण लग जाओ बरोटा की हुंदा है जी, बरोटा बोर्ड कह दो चाहे बरोटा कह दो, पिपल बरोटा ते निम, ये 24 घंटे आ उस ऑक्सीजन छड्डदे, वातावरण शुद्ध करदे है। जो शुद्ध मिलेगी हवा, खून शुद्ध होएगा, आपे सुख मिल गया, आपां छड्डे कोई नहीं है। ता ही हुण जिहदे कोल देखो पुड़ा चक्की फिरदा लफाफा भर के। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ 1 ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ, ਛੱਡਿਆ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਉਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈ 4 ਫਲ, 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲ ਚੁਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਂ ਨੀਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਹਾਂਆਨੰਦ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ, ਹੋ ਜਾਣਾ।
भी एक सजा ही है। जे मैं तेरा फल चाहे मेरा शरीर इन्ना बोझल हो जाए कि मैनू किरिया करनी भी मुश्किल हो जाए। तीजा कहिंदा जे मैं तेरा फल चराया होवे तां मैनू नाम दा महानंद भुल जाए, महानीच स्वर्ग दे राज पदवी मिल जाए मैनू। ये मगर खड़ा सी पिपल दे सत्कार भालदा फिरदा इत्थे। जिहड़े रब दी बंदगी करन वाले प्यारे ने उन्होंने की लैना इंद्र वर्गियां तों नाले होर दा दावे वही दिन कट दे निर्दावे इंद्र नूं कंगाल जान दे ओ इंद्र नूं कंगाल जान दे चौथा कहन लगा जिन्हें फल चराया सामने आ जाए नहीं तो फिर मैं गया कुछ डरदा सामने आ गया इंद्र कहिंदे कहिंदा मैं स्वर्ग दा फल तू लैके आया सी हाँ जी मैं ही लिया सी चुराया भी तू सी हाँ जी क्यों मेरे मन च आया मैं सुरग का राजा इंद्र हाँ मैनू इत्थे किसी ने बुलाया तक नहीं है कोई आव भगत नहीं की सत्कार नहीं किया वो कहिंदे तैनू चिट्ठी पा के सद्या सी असी साडा मतलब ही कोई नहीं है तेरे नाल इत्थे सत्कार तेरा कादा करिए असी लैने नहीं है कुछ चिंता गई मनुआ बेपरवाह जाकू किसी ना चाहिए सोई शहन छा को शाम की तो इच्छा दे दीन होंगी है इच्छा ही नहीं है फिर क्यों हाँ दस क्यों आया फिर मेरे मन में शांति नहीं है सड़दा बलदा रहिंदा है जिथे पदार्थ ने सत्संग जी जे बल जाणगे हंकार घट जाणगे रोई जाएगा जे बजन ने हंकार लग जा जब कश पावे तब गर्भ तब रोवन लग फिर आप तो जाते ने ईरखा ते जे अपने तो थोड़े ने हंकार सवेर नू खरीद लांगे जे बोलिया उहदे नाल ईरखा करनगे। जिहड़ा बंदा तुहाडे नाल ईरखा कर रहा समझ लो कि तुहाडे च कोई विशेष गुण है तां कर रहा है।
वादू गल है तुहाडे च ईरखा हुंदी उहदे नाल अपने छोटे नाल हंकार हुंदा हुंदा ये दो बिरतियां पदार्थां च बणिया रहिंदियां उत्थे घाट बाद चिंता दुख बनया रहेगा। ठीक है पदार्थ को माड़ी गल नहीं है, पदार्थां विच रह के रब नूं भुल जाना माड़ी गल है। वो पदार्थ सफले ने जे नाम जपदे विच रह के बाणी पढ़दा है, को माड़ी गल नहीं है। निर्वाह वास्ते भगतां ने मंगिया सारा कुछ, पदार्थ यो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन सीका ऐस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगे, बहुत वधिया। ये घर की गीहन चंगी जन मंगे ने आपां मंगदे आ वी दूजे नूं देखो। अज आपां नूं अपने तेरे मन च है हंकार, जिथे उथे नाम नहीं टिकदा हुंदा। दो चीजां कट्ठियां कदे नहीं रहिंदियां, लस्सी दोवें कट्ठे भांडे च नहीं रहिंदी। नाम दोवें कट्ठे नहीं रह सकदे। जे हंकार है ना मन च किसे गल दा भी, भावें तीर्थ अरदान मान इशनान बैठ सारे कर्म किते, जे सिमरन भी कर रहा गल दे उत्ते उत्ते रहेगा वैगुरू 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 करी जाएगा, अंदर नहीं होन लगा कदे भी। अंदर तो पहले ही भरया पे, जे थां होगी तां ही पऊगा ना। होमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसा एक कठाए, दो नहीं कट्ठे रहने। छड़ना बहुत सौ सात सिंह जी कहिंदे तकरीबन सारिआं दी है, हां तां बजुर्ग साडीआं मावां भी लई फिरदीआं, भावें पता ना ही लगे बंद कित्थों हुंदा चलदा कित्थों। एक दो बटन सिखा दिंदे आ माता, चलो सारा दिन बिंडे जे बटन दबी जाते उन्हां नाल तो चंगी है ना। चलो बाहर अंदर गए कितने दूर ने पता जे उन्हूं चार्ज ना करिए फुट्टी कबड्डी का नहीं रह जाता, करना पैंदा ना। तो साडे वाला फिर किवें चार्ज होएगा, ये तो हर वेले 24 घंटे डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज कहदे नाल होगा, ना बाणी तो बिना यह चार्ज नहीं हुंदा है। 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा तुसीं करो रोज़, फिर सतसंग जी जिहड़े 24 घंटिआं दे दुख सुख ने दे नेड़े नहीं आउणे, जिवें दीवे दे कोल नेरा नहीं आउंदा हुंदा। दुख सुख तां आउणगे पर मन ते असर नहीं होऊगा। करना चाहीदा बिना नाम तो, कदे भी मन नूं चैन टका आ ही नहीं सकता। न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग बावन चंदन है, न शीतलंग सीतर तें नानक शीतलंग साध सवजन है। महाराज कहते नहीं शांत होना बिना नाम तो, भावें चंद मन इच्छे सुख माणदा किश नाहीं वसूरे, सो प्रभ चित्तन आवे बिष्टां के कीरे, बिन हर नाम ना शांत हो कित बिध मन तीरे। चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काथी वै नानका पंदलो हर सब जप पुन नाम जपना सोला ने बाकी पैसा पुन है कि दो पैसे अनक चार आने 16 आने पुन सब तो कितने नहीं पैंदा लियाना
कितों नहीं पैंदा देना पल्यो कख नहीं पैंदा तुरे जांदे वाहेगुरू वाहेगुरू मूल मंत्र दा पाठ जपजी साहिब दे पाठ चौपी साहिब दे पाठ कम कार करदे आ गड्डी चला रहे ट्रैक्टर चला रहे मोटरसाइकिल जपदे जाओ सफल है नाले अंग संग साई रहणगे महाराज सदा ही। इस करके आपां संगत करदे आ कि आपां नूं संगत विच आ के कि साडी जिंदगी दा मकसद की है एम ऑफ द लाइफ की है कादे वास्ते आवन को एक है को आया जन्म तमोहयो मोहनी मा एक परमात्मा दे नाम जपन तो बिना तेरा तो दुनिया ते आउण दा मनोरथ ही कोई नहीं है। बाकी जो कुछ कर रहा है ये समझो तू नेरा ही ढो रहा पानी ठीक है करना पएगा पर इहदा जो तात्पर्य है मकसद है वो केवल परमात्मा का नाम भई प्राप्त केवल नाम। इस करके भाई जेड़े अज 30 प्राणियों ने खंडे वाटे का अमर छकया है गुरु दे लड़ लगे हैं अभ्यास भी करना चाहिए है। सो जिन्हां ने अमर छकिया हो सारे माई भाई सिमर नितनेम क्यों सार विच ए दुख फैलिया होया है सारे दुखां दा दारू परमात्मा दा नाम है। जुड़े रहांगे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी महाराज फिर अंग संग रहिंदे ने भाई लाह गुरु स्तोत्र विच बोलो अरदास हुकमनामा साहिब सरवण करके अगे तां इह बेनती कीती जांदी सी कि बाबा गुरसेवक सिंह जी अगले महीने का प्रोग्राम दसणगे राती दवान कित्थे दिने कित्थे हुण संगत नूं पता हुण लॉकडाउन अंगद साहिब जी धन है धन है धन धन गुरु अमरदास जी धन है नाम दान है धन धन है धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु श्री हर राय साहिब धन है धन है
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ धन है धन है धन है धन है धन है धन तेरा पंथ खालसा धन है सतनाम श्री वाहिगुरु गो नाम श्री वाहिगुरु गो वाहिगुरु 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 गो वाहिगुरु बोल कदे ना डो वाहिगुरु बोल कदे ना डो